हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप? आप सभी जानते हो 9th और 11th का रिजल्ट आ चुका है, लेकिन कैसे निकाले उसके लिए मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले आपको अपने फोन या लैपटॉप या किसी भी जगह पर जा करके निकाल सकते हो। मैं गूगल पर आया हूँ और यहाँ पे आपको सर्च करना है ETUDEL, और उसे सर्च करने के बाद आपके सामने एक वेबसाइट का पहला लिंक दिखेगा ETUDEL.NIC.IN पर। आपको फर्स्ट लिंक पर क्लिक करना है, जैसे कि आपको दिख रहा है। अब आपको ये केजरीवाल की ये वेबसाइट आपको दिखेगी, तो इस पर आपको यहाँ पर क्लिक करना है। मैं आपको कर्जर ला के दिखाता हूँ, रिजल्ट 2021 जो कि पिछले साल का है। हालांकि इससे क्लिक करने के बाद यहाँ पे लिखा हुआ है 2021-22 यहाँ पे लिखा हुआ है। तो गाइज, इस साल का रिजल्ट है। आप अगर 9th में 11th में हो तो आप आसानी से अपना रिजल्ट निकाल सकते हो। दोस्तों, अपने दोस्तों में शेयर करो वीडियो को, ताकि वो भी निकालने में सक्षम हो सके। 9th और 11th का रिजल्ट है, तो आपको ओपन लिंक पर क्लिक करना है। लिंक पर ओपन करोगे तो आपको एक फ्रंट दिखेगा, यहाँ पे लिखा हुआ है द सर्विस इज अनअवेबल। इसका मतलब है कि जो लोग हैं, सर्वर डाउन चल रहा है, इसलिए ज़्यादातर लोग इससे चीज को सर्च कर रहे हैं, जिस कारण यह वेबसाइट इतना सर्वर डाउन चल रही है। तो आपको ऐसी कंडीशन दिखेगी, लेकिन आपको क्या करना है, फिर से रिफ्रेश मारना है। आपके सामने ये पेज आपको दिख रहा होगा, आपको ये फॉर्म आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे आप क्या करना है, आपको सबसे पहले आपको स्टूडेंट आईडी डालनी है। स्टूडेंट आईडी आपके पास जो भी है आपको ये डाल देनी है। उसके बाद आपको क्लास चूज करना है, आप 9th में हो या फिर कॉमर्स आर्ट्स साइंस में हो या वोकेशनल में हो, तो आपको सिर्फ ये लिख देना है। और लिखने के बाद आपको सेक्शन चूज कर लेना है, और उसके बाद अपनी डेट ऑफ बर्थ को कैसे डालनी है, जैसे कि पहला महीना तो 01 और ओब्लिक डालने के बाद आपको क्या करना है, अपना महीना डालना है। महीना कौन सा आपको, मान लिया 4 महीना है, तो आपको क्लिक करना है। अब आपको अपना डेट ऑफ बर्थ डाल देना है, आप किसी में भी हो, आप 2006 में हो, 7 में हो, 8 में हो, तो आपको लिख देना है। उसके बाद आपको ये जो विजुअल कोड है वो इसमें आपको फिलअप कर देना है, जैसे कि मैं आपको करके दिखाता हूँ 865। तो आपको जैसे ही ये कोड आपको यहाँ पे पेस्ट कर देना है, तो अगर आप इसे कर ले तो आपको सबमिट पे क्लिक करना है, तो आपका रिजल्ट ओपन हो जाएगा। तो गाइज, इस वीडियो में इतना ही, अपने दोस्तों में शेयर करो, और मैं आपको रिजल्ट अपना, मैं क्योंकि 12th के बाद मैं बीकॉम कर रहा हूँ, इसलिए मैं अपना रिजल्ट मेरे पे नहीं है, तो इस साल का जो रिजल्ट है वो इसी तरीके से ऑनलाइन आपके सामने पेश होगा, आप निकाल सकते हो। तो गाइस, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में। अगर आपके सामने कोई परेशानी है तो नीचे कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि हम उसका भी सॉल्यूशन लेकर के आए।